एक तो दिवाली थी कल, दिवाली के बाद जो है शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। उसके लिए भी हमने नगर आयुक्त से बात करके हमने कहा है कि पूरे शहर को जो है अलग से भी कोई व्यवस्था लगानी पड़े, लेकिन सफाई जो है एक दिन के अंदर अंदर पूरी सफाई हो जानी चाहिए, इसके लिए कहा है। और बाकी जो 5 नवंबर को मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, उसमें उसकी भी पूरी तैयारियां और जोर शोर से तैयारियां तो हमारी हो ही रही है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हमारी हो। 68 जोन हमने इसके बनाए हैं, 68 जोन के साथ साथ इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे रोड पर रहने वाले हैं, तो उसके लिए भी जो है और यातायात को कैसे हम उसको ठीक करें ताकि जनता को भी उसकी परेशानी ना हो, और 1 लाख लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो उनकी भी ठीक ठाक व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश जो है प्लास्टिक के ऊपर देहरादूनवासी देना चाहते हैं। मानव श्रृंखला जो बनने जा रही है, मानव श्रृंखला के माध्यम से 5 नवंबर को प्लास्टिक को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह के, और देहरादून का पर्यावरण हमारा ठीक होगा, देहरादून की हमारी आबो हवा ठीक होगी, देहरादून का हमारा सुंदर दून का जो हमारा नारा था वो भी साकार होगा, और देहरादून की जो 60% की गंदगी जो प्लास्टिक से होती है उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। सर ऐसा हैं जो उनके भी एक्स्ट्रा लगाओ, जो 2 शिफ्ट में काम होता है इसको भी इसका भी बढ़ाया जाए ताकि जो है किसी को भी कोई परेशानी ना हो और गंदगी शहर में दिखनी नहीं चाहिए, ये हमने स्पष्ट कहा है। सर एक सवाल और, जो नए जुड़े हुए जो वार्ड हैं जो नगर निगम क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ पर डोर टू डोर कूड़ा उठान कब तक शुरू होगा? वहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठान तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ के लिए भी हमने अलग व्यवस्था करी है, वहाँ के लिए भी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर जो है हमने उन्हें कहा है कि जहाँ भी, और मेन रूट के लिए अलग व्यवस्था बना रखी है, अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने कहा है कि वहाँ भी सफाई की व्यवस्था अलग माध्यम से होनी चाहिए। कलाकारों को भी ये तो सारे बच्चे मेरे नहीं है।